सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करता हूँ आप लोग ठीक होगे, तो ठीक ही रहना और मेरी वीडियो देखते रहना। तो गाइस, जैसे मैं आपको, अगर आप जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, जो उनको पता हो, जो मेरे लास्ट व्लॉग प्रीवियस व्लॉग इन्होंने देखे होंगे, मैं बहुत दिनों से एक नया टू व्हीलर बाय करने की सोचा था। वैसे टू व्हीलर बाय करने की मेरे को जरूरत तो नहीं है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गब्बर खड़ा है, बट फिर भी मैं टू व्हीलर बाय करने की सोच रहा था। तो मैंने सोचा था कि क्या कहते हैं, मैं कोई इलेक्ट्रिक पर स्विच करूँ, पर इलेक्ट्रिक की मैंने एक दो ट्रायल लिए, मेरे को वो स्वाद नहीं आया, वो मज़ा नहीं आया। हाँ, ये बात अलग है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक ही है, टाइम के साथ उस पर स्विच होना पड़ेगा, लेकिन अभी तो नहीं। मेरे पास एक बहुत पुरानी चीज़ पड़ी है, मेरा एक स्कूटर है, बहुत पुराना, मतलब बहुत पुराने टाइम का ही है। तो अब मैं आज उसको बहुत दिनों से उसके चक्कर में घूम रहा था, बिमरा कहीं, मतलब मैं बहुत जगह जा रहा था, पूछ रहा था कि उसको मॉडिफिकेशन के लिए। तो आज फाइनली मैंने कहीं बात करी है, तो वो मेरे स्कूटर को पिकअप करने आ रहे हैं। फिर ये मॉडिफाई होकर कैसा दिख रहा है, मैं आपको वो दिखाऊंगा, मॉडिफाई में की क्या कॉस्टिंग है, वो सब मैं आपको ढंग से बताऊंगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि क्या है वो चीज़। जो मेरा स्कूटर है वो बहुत ज़्यादा ही पुराना है, मेरे हिसाब से 2000 से भी पहले का है, चेतक है, 4 स्ट्रोक है। उसको मॉडिफाई कराएंगे क्योंकि आपको पता है ना, शौकी बंदे यार, हम इसी को तैयार करवाएंगे, नई चीज़ लेना कोई फ़ायदा नहीं इसमें, वैसे ज़्यादा लेंगे बट शौक की कोई कीमत नहीं होती। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है जिसे मॉडिफाई करा रहा हूँ। तो गाइज़, ये है मेरा स्कूटर जिसे मैं मॉडिफाइड कराऊंगा। अभी तो इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पीछे पार्किंग में गैराज में था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस स्कूटर को मॉडिफाइड कराना है, पूरा स्कूटर ठीक बनेगा, थोड़ा स्टाइल भी, डिज़ाइन भी चेंज होगा, सीट वीट सब चेंज होंगी, ठीक है ना। अभी तो देख लो आप इसकी हालत, अभी हालत इसकी कुछ ऐसी है, ठीक है ना। इसकी सीटें वीटें सब कुछ चेंज होंगी, मैं इसको सही से चेंज कराऊंगा, पुल तैयार होगा, सारे टायर नए आएंगे, सब कुछ होगा। अभी जो उसको लेने आते हैं वो आते हैं, तब मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे टो करेंगे, देखते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। के लिए हमारा आता हुआ, आप इसको कैसे लेकर जा रहे हैं, हालत में है चलने की। ये हम अपने स्कूटर को लेकर आ चुके हैं वहाँ से जहाँ हमारा स्कूटर मॉडिफाई होगा। मैं आपको दुकान भी दिखा देता हूँ, जगह जहाँ पे मैं लेकर आया, लोधी रोड में है ये जगह सिचुएटेड। और यहाँ पे और सी चीज़ें भी होती हैं मॉडिफाई, मतलब और भी स्कूटर मॉडिफाई होते हैं, तो थोड़े बहुत हो रहे होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। रात को धक्का मार कर लेकर आए, वो मैं प्रोसीजर नहीं दिखा पाया, पर आपको प्रोसीजर मैं बता दूँगा। गाइस, ये है वो दुकान जहाँ पे अपना स्कूटर मॉडिफाई होगा, देख लो, ये है वो दुकान, यहाँ पर ये स्कूटर भी मॉडिफाई होने के लिए आ रखे हैं। ये है अपनी दुकान, तो गाइस ये खड़े हुए हैं अपना स्कूटर जो मॉडिफाइड होगा, मॉडिफाइड जो करेंगे वो ये रहे, और ये अपने इसका सामान आ गया है। अभी अब मॉडिफिकेशन चालू होगी तब दिखाएंगे। तो जैसे मैंने आपको अपना स्कूटर दिखा दिया, और जैसे अभी आपने वीडियो में व्लॉग में पहले देख लिया होगा कि उसको धक्के मार के लेके आए, पता है बातों में जो मैं इसको इंटरेस्टिंग जो बताना भूल गया, मतलब स्कूटर बिल्कुल टायर कंडम थे, तो उन्होंने क्या किया, ये अपने साथ ना 2 टायर लेके आ रखे थे, उन 2 टायरों को उन्होंने चेंज करा, वैसे वो धक्के मार कर लेकर गए, वरना जो मेरे टायर थे तो गल गए थे या सड़ गए थे, मतलब बहुत टाइम हो गया मेरे हिसाब से। इन्होंने ही बताया ये स्कूटर 92 का या पता नहीं कब का है ये स्कूटर, मेरे को तो खुद नहीं पता था। तो अब ये उसका भी मुझे बता रहे थे कि ये सामान वामान लेकर आ चुके हैं, अब कल परसों से स्टार्ट करेंगे, उन्होंने बोला है 15 दिन, मैंने बोला दिवाली से पहले मिल जाए, क्या दिवाली से पहले तो मिलेगा नहीं, अभी तो इसका सामान मतलब अभी भी देख लो, मतलब वहाँ से लेकर जस्ट लेकर ही आए हैं। इन्होंने बोला है कम से कम 1.5-2 महीने बाकी, चलो तो आपको मैं इसकी डेली अपडेट्स देता रहूँगा, मतलब जब जब मैं चक्कर मारने आऊँगा तो आपको बताता रहूँगा कि हमारा कहाँ तक पहुँचा है स्कूटर, क्या काम उसमें हो रहा है, कितना बचा है। उन्होंने बताया कि इसमें हैंडल इसका नया लगेगा, मतलब चीज़ें तो सारी नई लगेंगी, एक मतलब यूनिक चीज़ है यार, मतलब ये चीज़, मतलब वैसी शौकिया चीज़ कह लो या कुछ कह लो, मतलब ये दिल के पास रखने वाली चीज़ है। लेने को मैं कुछ और भी ले सकता था, इसमें मेरे हिसाब से 1.5 लाख रुपये का इन्होंने बजट बताया है, लेने को मैं 1.5 लाख रुपये में आज के टाइम पर जब सब स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पर, इलेक्ट्रिक पर भी स्विच कर सकता था, बट क्या ये थोड़ी ना दिल के पास वाली चीज़ है, तो इसकी मतलब कीमत अलग है यार। मेरे लिए ये यूनिक है, कह लो मतलब प्राइसलेस है, इसकी मेरे लिए मेरी नज़रों में मेरी कीमत ही अलग है। We'll be right back.
जब आप देख रहे होगे मैं सब्बे में आ गया हूँ, तो सब्बे में मैंने अपना सब बनवाया, मतलब सब क्या बनाया, टॉर्टिलाज बनवाए, टॉर्टिलाज मतलब रोटी, मतलब वैसे अगर सब्बे की लैंग्वेज में बोलो तो ये रैप था, रैप बनवाया हुआ क्या है, एक रैप तो मैंने वैश्यमी बनाया था, वैश्यमी नहीं वैद सीख मंगवाया बनवाया। दूसरा जब वो मैंने बोला यार ऑप्शन क्या है, तो उन्होंने बोला कि चटपटा चना है, फिर मैंने चटपटा चना उन्होंने डालना, जब वैसे आप ब्लॉग की मेकिंग में देखोगे तो मेरे को उसमें ना डाइसी सा सीन लगा, मेरे को लगा, मैंने फिर मैंने उस बंदे से पूछा मैनेजर से, मैंने कहा यार इसमें लहसुन और गार्लिक और अनियन तो नहीं है, कह रहा सर इसमें, मैंने कहा भाई तो इसको प्लीज़ चेंज कर दे, चाहे मेरे पैसे एक्स्ट्रा लगा लियो, बट ये नहीं खाना यार, जहाँ हमने 8 दिन काट लिए, वैसे अश्वम तो अष्टमी पूछे तो अष्टमी पूछ गई, बट फिर भी नवमी है, चाहे इतने दिन नहीं खाया तो एक दिन और ना खाओ तो क्या जाते, तो ये अपना डिनर मतलब आ चुका है, ये तो अभी एक ही चीज़ आई है, दूसरी मेरी वेटिंग पे बन रही है। तो आज का मैंने आपको सारा सीन बता दिया, स्कूटर के बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे कहाँ जाएँ मॉडिफिकेशन के लिए, फाइनली उसको दे दिया है, अब देखते हैं कैसा बनेगा। कलर मैं इसमें ओरिजिनल ग्रीन ही करवाऊंगा, बाकी आपको सब दिखाता रहूंगा। तो होप करता हूँ गाइस आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा ब्लॉग अच्छा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम कर लें अपना डिनर, आप लोग भी अपना डिनर कर लो। तो ओके गाइस बाय बाय, टेक केयर, सयोनारा।